दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला रामायण के वो पांच झूठ जो श्री राम के जीवन पर बने रामायण में दिखाए गए हैं। ये झूठ एक बार तो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलिए इन पांच झूठ से आपको रूबरू करवाते हैं। नंबर एक, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया है कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के लिए जागता था, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो वह कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक कुछ भी न खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नंबर दो, हनुमान जी का द्रोणागिरी पर्वत उठा कर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पार्ट लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, तो हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया। बाद में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की सारी जड़ी बूटियों को लेकर आ गए थे। नंबर तीन, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का न सोना। कि जब श्री राम और सीता वनवास पर थे, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। ये तो रामायण का सबसे बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, और उनके द्वारा लिखा गया एक श्लोक यह भी है, अथ रात्रा व्यतीत मयायाम वसुप्तम नंतरम प्रबोधयामास सनैन लक्ष्मणम रघुनंदनम। इस श्लोक में ये कहा गया है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे, और यहीं से यह बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोते थे। नंबर चार, राम सेतु के पत्थर। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बनवाया था, उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था, और लोग आज भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं, ये पता नहीं ये मिलावट कहाँ से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के ये श्लोक पढ़ें। अस्थि मात्रान महाकाया चाणच महाबला पर्वताश्च समुत्पाट्य यत्र प्रवंतिच। इस श्लोक में कहा गया कि उन महाकाया मतलब विशाल और महावरियों ने बड़े बड़े पत्थरों पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट पर लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि पत्थरों को तोड़कर उन पर श्री राम का नाम लिखा गया हो। नंबर पाँच, सबरी के झूठे बेर। अपने रामायण का ये सीन तो जरूर देखा होगा कि जब वनवास के समय श्री राम जंगल में जा रहे हैं, तब एक कुटिया में सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए। चलिए आज हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड के श्लोक को पढ़ते हैं। मया तो विविधम वन्य सचितम पुरुषरभय तवाथ्य पुरुष व्याग्र पंपायस्त्र संभव। यानी कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को पुरुष श्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया। सबरी जो फल व फूल पंपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी, और उसमें श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ पर तो कोई ऐसी बात सिद्ध नहीं होती कि सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।